दोस्तों भारत में सन 2019 से पहले सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाता था, लेकिन सन 2019 में भारतीय संविधान के 124वें संशोधन का विधेयक संसद में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि सामान्य वर्ग को भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के कमज़ोर व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कौन आर्थिक रूप से समृद्ध है, इसका फैसला कैसे होगा, इसके लिए सरकार ने एक प्रमाण पत्र इशू करने का प्रावधान किया, जिसे कहा जाता है ईडब्ल्यूएस। यानी जिस व्यक्ति के पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होगा, उसे 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनेगा कैसे और एक ही दिन में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आप अपना कैसे बनवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपके तहसील में तहसीलदार के कार्यालय में बनेगा। अब उसके लिए करना क्या होगा, आपको सर्वप्रथम एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा तहसीलदार को संबोधित करते हुए, जिसमें लिखना होगा सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय, आपका जो जनपद होगा वो जनपद, इधर राइट साइड में लिख देंगे प्रार्थना पत्र वास्ते दिलाए जाने ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र। ये ऐसे एप्लीकेशन आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट में नीचे आपको दे दूंगा। एप्लीकेशन लिखने के बाद में एक ये पपत्र आता है जो कि आपको ईडब्ल्यूएस के रूप में मिलेगा, ये पपत्र आपको ईडब्ल्यूएस के रूप में मिलेगा, ये आप इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसकी दो कॉपी उसी प्रार्थना पत्र के साथ, इसको आप ये जो प्रार्थना पत्र है ये आप हाथ से भी लिख सकते हैं, टाइप भी करवा सकते हैं। ये पपत्र आप डाउनलोड कर लेंगे, इसकी दो कॉपी उसी में साथ में संलग्न करेंगे। इसके बाद में आपका एक ये पपत्र 2 डाउनलोड होगा, ये भी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप एक शपथ पत्र भी संलग्न करेंगे दोस्तों। और इसके बाद में डॉक्यूमेंट जो लगेगा, आपका निवास प्रमाण पत्र, अगर आप अभिभावक हैं आपके घर के तो आपका आय प्रमाण पत्र, या आपके पिताजी अगर घर के अभिभावक हैं तो उनका आय प्रमाण पत्र, या माताजी घर के अभिभावक हैं तो उनका आय प्रमाण पत्र, या परिवार का कोई भी सदस्य जो अभिभावक है उसका प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड और आपकी 2 फोटो लगेगी। ये 2 फोटो लगेगी दोस्तों, यही होता है ईडब्ल्यूएस, इसी को प्रमाणित करके दे देंगे। मैं बगल स्क्रीनशॉट दूंगा आपको, इसी को प्रमाणित करके दे देंगे, यहाँ आपकी फ़ोटो लगेगी, 1 प्रति तहसील में रहेगी, 1 प्रति आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों कौन बनवा सकता है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, उसके लिए यहाँ शपथ पत्र में घोषणा दी गई है। यहाँ जब आप शपथ पत्र इशू करेंगे तो जो पहला शपथ पत्र होगा ये वाला शपथ पत्र, ये जिस व्यक्ति की आय है, आपके जिस अभिभावक की आय है उसका ये लगेगा शपथ पत्र, और इसमें जो बनवा रहा है, जैसे आप बनवा रहे हैं तो आपका शपथ पत्र लगेगा। इस शपथ पत्र में यही बताया जाता है कि आप ये सारी चीज़ें जो सूचनाएं दिए हैं ये बिल्कुल सत्य एवं सही है। इस शपथ पत्र में आपको यही बताया जाता है कि आप सारी सूचनाएं सही दे रहे हैं, इसका शपथ पत्र आपको देना होता है। अब दोस्तों शपथ पत्र में आपको क्या प्रमाणित करना होता है, यही प्रमाणित करना होता है कि शपथी और या शपथनी उक्त पते की मूल निवासी है, दूसरा या कि सपती सपत्नी सामान्य जात के किस जात की है, यहाँ भरना है, आप कौन से हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, क्या हैं, वो यहाँ भरेंगे। तीसरा है या कि सपती और सपत्नी के परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसका शपथ पत्र आपको देना होता है। या कि सपती और सपत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि है तो आप ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा सकते हैं। और अगला है या कि सपती सपत्नी के परिवार के पास कोई फ्लैट नहीं है, अगर आपके पास कोई शहर में फ्लैट है तब भी आप नहीं बनवा पाएंगे ईडब्ल्यूएस। और तीसरा है या कि सपती सपत्नी के पास परिवार के साथ छोटा सा मकान है, ये नहीं आप हवेली बनवाए हैं फिर भी आपको आरक्षण मिलेगा। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उसी का शपथ पत्र ये तहसीलदार देते हैं। अब मान लीजिए ये सब भर के आपने कंप्लीट किया पूरा, अब इसे कहाँ ले जाएंगे, जब आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आप जाकर अपने तहसील के तहसीलदार कार्यालय में इसको जमा करवा दीजिए। तहसीलदार के कार्यालय में अगर जमा करवा देंगे वहाँ से आपके कानूनगो साहब रिसीव कर लेंगे या लेखपाल साहब रिसीव कर लेंगे, फिर उस पर लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट लगेगी कि हाँ ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इसके बाद
वही लेखपाल रिसीव जो करेंगे वहीं अपनी रिपोर्ट लगाकर आपके तहसीलदार कार्यालय में जमा कर देंगे। इसके बाद में तहसीलदार साहब उस पर साइन करकर आपका ईडब्ल्यूएस जारी कर देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सेम डे कैसे बन सकता है ईडब्ल्यूएस, क्योंकि इतनी प्रक्रिया में हो सकता है समय लगे, सेम डे भी बन सकता है। आप समझिए, जैसे एक दिन हर तहसील में एक दिन ऐसा होता है जहाँ सारे अधिकारी कर्मचारी तहसील दिवस होता है, सब लोग उपस्थित रहते हैं, उसी दिन आप ये सारी प्रक्रिया कीजिए, वहीं तहसीलदार कार्यालय में जमा करवाइए, तुरंत लेखपाल साहब से रिसीव करवा लीजिए, कानून गो साहब की रिपोर्ट लगवा दीजिए, तुरंत तहसीलदार साहब दस्तखत करके आपका ईडब्ल्यूएस निर्गत कर देंगे और आपको भी 10% आरक्षण मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज थोड़े बगीचे में बैठे थे, गर्मी बहुत थी, तो हमने कहा आपसे कुछ वीडियो साझा किया जाए। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।